दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आपको कि 2023 में अभी तक आपने अपना कुकिंग चैनल ओपन नहीं किया तो कर लो, बहुत पैसे कमाने वाले हो। इवन जो बड़े बड़े कुकिंग चैनल वाले हैं वो भी महीनों के लाखों रुपए कमा रहे खाली यूट्यूब पे वीडियो डालकर, और जो स्पॉन्सरशिप का मिलता है उसकी तो बात ही अलग है। अगर आपको सच में कुकिंग में इंटरेस्ट है और आप सोचते हो कि बिना ट्राइपॉड के अपना कुकिंग वीडियो किस तरीके से शूट करे या बनाए, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए। वीडियो में 5 तरीके या टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि बिना ट्राइपॉड के आप अपना कुकिंग वीडियो किस तरीके से शूट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने भी अपना कुकिंग चैनल बिना ट्राइपॉड के स्टार्ट किया था। पहले कुछ मैं ऐसा इस तरीके से मैंने खुद से बनाया था, लकड़े का इधर मैं मोबाइल रखता था, अक्सर अभी तक रबड़ लगा है देख सकते हो आप, इधर मोबाइल रखता था, ओवरहेड से शूट करता था। बाद में मैंने जाके ट्राइपॉड लिया कुछ एक साल बाद में। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप मेरे चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि इसी तरह की कुकिंग चैनल के रिलेटेड नॉलेज आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शेफ भरत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों अगर आपको कटिंग करते हुए कुछ बताना है बैकग्राउंड में, तो आप व्हाइट या फिर ब्लैक कलर का कपड़ा या फिर जो चार्ट पेपर होता है ना वो रख दे, उससे भी एकदम अच्छा क्वालिटी आता है। मैं यहाँ पर फूड फोटोग्राफी वाला बैकड्रॉप यूज़ करता हूँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, 700-800 इतना आता है। स्टार्टिंग में मैंने भी ब्लैक कलर का कपड़ा लगा के ये बैकग्राउंड को यूज़ किया था। फिर उसके ऊपर आप कुछ चॉपिंग बोर्ड रख सकते हो जिसके ऊपर आपको कटिंग करनी होगी, और साइड में आप कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर या कुछ भी डेकोरेटिव होगा वो रख सकते हो, क्योंकि जो बैकग्राउंड है उसमें फिर वो अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव लगेगा थोड़ा बहुत। तो पहला तरीका बता दो आपको किस तरीके से अपना एंगल शूट करना है। तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से आप ट्राइपॉड बना सकते हो खुद से भी, लकड़े का इधर 2 पीस लेना है, उस तरीके से लगा देना है, और ऊपर बस मोबाइल को ऐसे रख के एक रबड़ की मदद से लगा देना है, और नीचे हैवी वेट रखे ताकि ये गिरे ना। तो ओवरहेड के लिए आपको इस तरीके से देखने मिलेगा, आप कुछ भी इसके ऊपर रख के कटिंग चॉपिंग कर सकते हो। सेकेंड मेथड के लिए आपको घर में से 2 डब्बे ले लेने, किचन में आप यूज़ करते ना वो, तो यहाँ पर मैंने 2 डब्बे ले लिए। इसके ऊपर हम एक लकड़ी का प्लेन पीस रख देंगे और उसके ऊपर एक बुक रख देनी हैवी, या फिर आप कोई भी हैवी सामान रख सकते हो। अभी इसके अंदर एक रबड़ का पीस लगा लेना है हमें, और उसके अंदर हमें जो मोबाइल है उसको अटैच कर देना है। तो देख सकते हो इस तरीके से आपको अटैच कर देना है ओवरहेड व्यू के लिए, तो आपको इस तरीके से ओवरहेड मिलेगा। इसके ऊपर आप कुछ भी रख के कटिंग चॉपिंग या कुछ भी सामान दिखाना हो या थंबनेल के लिए फ़ोटो क्लिक करना हो तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा थंबनेल के लिए फ़ोटो भी आता है। थर्ड मेथड, सेकंड मेथड जैसा सेम रखना है, आपको 2 डब्बे ले लेने हैं किचन में से ही, उसके ऊपर फिर से वापस लकड़ी का पतला पीस रख देना है, उसके ऊपर एक हैवी सामान रख देना है, और मोबाइल को इसी तरीके से रबड़ की मदद से अटैच कर देना है, तो आपको इस तरीके से देखने मिलेगा, और आप जो भी कुकिंग कर रहे हो एकदम परफेक्ट दिखेगा। और ऊपर ही मैंने लाइट लगाई है तो देख सकते हो क्वालिटी बहुत ही अच्छी आ रही है। फोर्थ मेथड के लिए फिर से आपको एक किचन का डब्बा ले लेना है, उसके ऊपर एक कॉफ़ी मग रख देना है या फिर ग्लास आपके पास जो भी अवेलेबल हो, और यहाँ पे बस 2 स्पून रख रहा हूँ मैं, वुडन स्पून, घर वाले स्टील के स्पून भी रख सकते हो, बस इसे एडजस्ट कर लेना है और इसके बीच में आपको मोबाइल एडजस्ट कर देना है, तो इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। देख सकते हो फ्राइंग पैन एकदम परफेक्ट दिख रहा है, और जो भी इसमें कुक करेगा ये एंगल से बहुत अच्छा दिखता है। फिफ्थ मेथड के लिए यहाँ पर एक मैं डब्बा यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैंने दोनों तरफ से काट लिया है, आसानी से कट जाता है, और घर पे आपके होगा एक डब्बा, तो बस इसके वो आटे के डब्बे के ऊपर रख देना है, और अंदर थोड़ा वजन के लिए यहाँ पर मैं 2 पत्थर भी डाल दे रहा हूँ ताकि हमारा मोबाइल हिले ना और स्टेबल रहे। अब इसके बीच में हमें मोबाइल रख देना है इसी तरीके से, और आपको व्यू दिखाता हूँ, देख सकते हो एकदम परफेक्ट दिख रहा है, जो पैन है वो पूरी तरीके से आ रहा है, और इसमें आप जो भी कुकिंग कर रहे हो देख सकते हो क्वालिटी भी अच्छी आ रही है क्योंकि हमने लाइट ऊपर लगाई है। दोस्तों आपको वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखे ताकि इसी तरह की कुकिंग चैनल के रिलेटेड नॉलेज आपको मिलते रहे। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ में, टेक केयर, बाय बाय, सही हो रहा।